बीएसटीसी एवं पीटीटी से जुड़े समस्त साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा हर्षोली में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आपके कमेंट्स से उनको रिप्लाई करने वाले हैं। केवल यह एक कमेंट रिप्लाई आधारित वीडियो ही ना समझें, क्योंकि इसमें आपके ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब में आपके सभी प्रश्नों का हल हो जाता है, जिनमें आपके द्वारा बीएसटीसी परिणाम से संबंधित प्रश्न तो पूछे ही गए हैं, जिन पर हम चर्चा भी करेंगे। साथ ही आपके द्वारा बीएसटीसी या पीटीटी में से क्या बेहतर होगा, किसका हम चयन करें, इस संबंध में भी, और इसी के साथ में बीएसटीसी की कट ऑफ कितनी रहे, या पीटीटी में इतने मार्क्स हैं तो हम पीटीटी करें या बीएसटीसी के लिए इंतज़ार करें, या फिर पीटीईटी में हमें इतने मार्क्स आने पर महाविद्यालय का जो चयन करना है वो किस प्रकार से करना है, इन समस्त प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। आपसे विनती है, इस वीडियो को केवल हमारे वो साथी ही देखें जो हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें हम उनके प्रत्येक साथियों के कमेंट को शामिल करेंगे और उनका रिप्लाई भी करेंगे। केवल पॉजिटिव सोच वाले साथी हमारे इससे जुड़े और इस वीडियो को देखें, बाकी इस वीडियो को स्किप करके चले जाएँ। हमें व्यूज की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल अपने साथियों को सटीक सच्चाई भरी जानकारी प्रदान करनी है और इसी के साथ उनके भविष्य का मार्गदर्शन भी करना है, और साथ में बीच बीच में हम आपके प्रश्नों को अपने से जोड़कर भी जवाब देंगे। तो चलते हैं साथियों आज आपके टॉपिक की तरफ। तो साथियों, आपके कमेंट आधारित वीडियो को शुरू करूं, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सभी शुभचिंतक जिनके लिए मैं वीडियो बनाता हूं और आपके कमेंट पर आधारित रखता हूं, सभी को इस वीडियो पर लाइक देना है, जिससे दो चार जो अपने से ईर्ष्या करने वाले हैं वो छोड़ करके चले जाएँ और उनके डिसलाइक कम पड़ जाएँ। तो साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हरिओम पारिक जी की तरफ से पूछा गया है, सर आप वीडियो स्टिक और सभी बनाते हो, वेरी वेरी थैंक्स सर। तो हरिओम पारिक जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जी हमारी जो कमेंट है वो राहुल सिंह जी की तरफ से, वो भी कह रहे हैं कि नाइस वीडियो सर, थैंक्स बहुत बहुत राहुल जी आपको भी। नेक्स्ट कमेंट है हमारी महिपाल बिश्नोई जी की तरफ से, जो कि जोधपुर से हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर ओबीसी में 260 मार्क्स हैं। तो बिश्नोई जी आपको बता दें, 260 मार्क्स पे आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा। सबसे पहले आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के जो भी निकटतम कॉलेज हैं उनको च्वाइस में रखना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन देना है, क्योंकि 260 कला वर्ग के विद्यार्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज ऑटोमेटिक मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगली जो हमारी कमेंट है वो धनराज मेघवाल जी की तरफ से, गुड वर्क एंड पॉजिटिव माइंड सर जी, थैंक्स धनराज जी आपको बहुत बहुत। धनराज जी ने अपना एड्रेस भी दिया, उनको पढ़ देते हैं, ये मेवाड़ कला केकड़ी अजमेर राजस्थान से हैं धनराज जी। और नेक्स्ट हमारी कमेंट है दीपक जेटवाल जी की तरफ से, दीपक जेटवाल जी ने कमेंट किया कि सर हमें नींद नहीं आ रही है, थोड़े दिन और इंतज़ार कीजिए। दीपक जी, इतने उत्साहित होने की अभी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है जय शर्मा जी की तरफ से, सर कॉलेज लिस्ट सेंड करना। तो जय शर्मा जी, श्योर कॉलेज लिस्ट सेंड कर देंगे अब की बार जो वीडियो आएगी उसमें। नेक्स्ट है मीणा जी, बी टू मीणा जी हैं ये, 341 मार्क हैं एसटी से फर्स्ट काउंसलिंग में। अरे सर बिल्कुल श्योर हो जाएगा, फर्स्ट काउंसलिंग में 341 हैं तो आपको टॉप 5 कॉलेज मिलने वाला है। राम अवतार वर्मा जी नमस्कार करें, नमस्कार बहुत बहुत राम अवतार जी, आपको भी शुभकामनाएं पीटीटी की और बीएसटीसी जिससे भी आप रिलेटेड हैं। कैलाश जाट सर कह रहे हैं कि सर सही डेट बताओ। तो कैलाश जी, हमने 30 जून को ही बता दिया था कि नेक्स्ट वीक जो जुलाई का जो फर्स्ट वीक है उसमें आपका शोर हो जाएगा। बाकी आपको भी मालूम है कि हम गैस ही कर सकते हैं अपन सब, बाकी करना गवर्नमेंट को है कि शिक्षा मंत्री जी कब इसको ग्रीन सिग्नल देते हैं। ये तय मानिए कि 5 जुलाई तक आपका रिजल्ट शोर आ जाएगा। अगली कमेंट है हमारी गुरतेज सिंह जी, दूरतेज सिंह जी पूछ रहे हैं सर बीए बीएड 299 होम कॉलेज श्योर मिलेगा। गुरतेज सिंह जी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओबीसी से हैं, अगर कला वर्ग से हैं तो आपको श्योर कॉलेज मिलेगा। साथियों, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि सभी साथियों के कमेंट को शामिल करने का प्रयास किया, इसलिए धैर्य के साथ देखना ज़रूर है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है, जिससे आपके प्रत्येक कमेंट को आप आपस में देख भी सकें और उसके आंसर को जान भी सकें। नेक्स्ट कमेंट है शंकर सियाग जी, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शंकर सियाग जी।
विक्रम सिंह जी पूछ रहे हैं सर, ऑर्थो हैंडीकैप्ड हूँ, बीएड सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए? तो आपको तो यदि 200 प्लस भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकटतम कॉलेज मिल जाएगा, आपकी जो फर्स्ट डिजायर होगी वो कॉलेज ही आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर इसमें। दिनेश कुमार मीना जी पूछ रहे हैं सर जी, मेरे 307 बीएड में फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा, कास्ट एसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉप 5 कॉलेज मिलेगा सर आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट कमेंट है नवीन खन्ना, नवीन खन्ना जी ने अपने रोल नंबर दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ दिए हैं, सर हमने नोट कर लिया, रिजल्ट आते आपको सूचित कर दिया जाएगा। सुरेश रेलावत जी पूछ रहे हैं सर फिक्स डेट क्या है? तो सुरेश जी फिक्स 5 जुलाई तक कभी भी हो सकती है, क्योंकि अभी तो फिक्स तो बीएसटीसी वाले भी नहीं बता सकते, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी पे डिपेंड है, कब ग्रीन सिग्नल देखते हैं समय के अकॉर्डिंग, और तभी आपका रिजल्ट तय मानिए 5 जुलाई तक इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कमेंट है सत्यनारायण धाकड़ जी की तरफ से, कह रहे हैं सर आपके वीडियो से रिलैक्स मिलती है। सत्यनारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके सुकून के लिए, रिलैक्स के लिए और आपके भविष्य में मार्गदर्शन के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, और आप लोग जैसे जो पॉजिटिव माइंड के लोग जुड़े हुए हैं इसी से उत्साह बनता है। थोड़ा सा संदर्भ मैं आपको दे दूँ, टाइम ज़रूर लगेगा, एक दो साथी को कमेंट थी जो नेगेटिव माइंडेड हैं उनको मैं अप्रूव करता ही नहीं हूँ, आप निश्चिंत रहिए आपको ऐसी कमेंट देखने को ही नहीं मिलेंगी। कि रिजल्ट के संबंध में अपन ने बाद में वीडियो डाली थी, ऑथेंटिक डाली थी, कह रहे थे नहीं नहीं आपका जॉब चलता रहेगा, आपका धंधा चलेगा, आपको व्यू चाहिए, सर मैं पहले ही कह चुका हूँ कोई अर्निंग की आवश्यकता नहीं है, मैं ऑलरेडी 13 साल से राज्य सेवा में हूँ, 5 वर्ष से पिछले 2014-15 से लेक्चरर पोस्ट पर हूँ, मेरे को अर्निंग की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप लोगों का प्यार है, स्नेह है, मेरे छोटे भाई बहनों को मेरे से कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता है, इसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, अर्निंग का व्यूज का मेरे को कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो छोटी माइंड के होते हैं, संकीर्ण सोच के व्यक्ति, उनकी सोच नकारात्मक ही होती है, वो हमेशा दूसरों में कमियाँ छांटते हैं लेकिन उनकी औकात कमियों को दूर करने की कभी नहीं होती है। तो साथियों बस अपना उद्देश्य केवल अपने छोटे भाई बहन, अपने बंधु साथियों को अपने से थोड़ा बहुत भी मार्गदर्शन मिलता है, गाइडेंस मिलती है, तो मैं समझूंगा कि मैंने भी कुछ करने का प्रयास किया और सफल रहा। अब रामोतार कुमावत जी कह रहे हैं कि सर देखते हैं, तो बिल्कुल कुमावत जी देख तो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विक्राराम जी कह रहे हैं नाइस सर, तो विक्राराम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सत्यनारायण धाकड़ जी की फिर कमेंट है कि सर प्रसन्न हो गए जी, रिजल्ट लेकर रोल नंबर इतने एक्सपेक्टेड, परेशान तो हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 जुलाई तक और इंतज़ार करिए सर। अमन कुशवाहा जी कह रहे हैं कि कब आएगा सबसे पहले मुझे दें। अमन जी बिल्कुल पहले मिलेगा आपको, चिंता मत करिए, जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ में। रिंकू केकेएस पूछ रहे हैं थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। वसीम खान जी पूछ रहे हैं कब आएगा सर रिजल्ट, तो वसीम जी सुन रहे पा रहे हैं आप भी, रिजल्ट 5 जुलाई तक। नेक्स्ट हमारी जो कमेंट है, बनवारी गुजर जी पूछ रहे हैं कि एमबीसी की कट ऑफ क्या रह सकती है, प्लीज़ रिप्लाई मी सर जी रिप्लाई। तो सर जी एमबीसी की कट ऑफ के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एमबीसी की कट ऑफ लगभग 410 के 5 के आसपास समझें आप, 405 या 10 के आसपास एमबीसी कट ऑफ रहने वाली है। दिया पालीवाल जी पूछ रहे हैं सर बीएससी बीएड 4 ईयर कोर्स में हमने क्या 3 साल बाद बीएससी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी प्लीज़। ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड, आप दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए, आपको जो डिग्री दी जाएगी कंबाइंड डिग्री होगी जो कि 4 ईयर बीए प्लस बीएड या बीएससी बीएड की डिग्री होगी। भागचंद चावला जी पूछ रहे हैं कब होगा सर 370 सर एक शर्त पे हो सकता है, यदि आपकी एसटी कैटेगरी है तो, अन्यथा बहुत ही चांस है, मेरे को नहीं लग रहा है सर कि आपका हो जाएगा इसमें। देवीलाल गरासिया जी ने अपने रोल नंबर भेजे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देवीलाल जी आपका। कविता सैनी जी पूछ रहे हैं सर नहीं सीखता 2019 का, थोड़ा स्पष्ट लिखें आप जिससे पढ़ने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो। कविता सैनी जाके सर कैटेगरी ऑफ कितनी रहेगी, तो कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ बता चुके हैं आपको पहले भी, जनरल और ओबीसी 420 प्लस, एससी 400 प्लस, एसटी 360 प्लस, एमबीसी 305 या 10 प्लस है तो ही आप बीएसटीसी की दौड़ में, अन्यथा नहीं है। राहुल गोस्वामी जी रिजल्ट कब तक, 5 जुलाई तक सर, नाइस सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे जो हमारे साथी इन्होंने मानक नाथ जी हैं, इन्होंने रोल नंबर दिए, तो मानक नाथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कमेंट हमारी जीवन राम जी की तरफ से, जोधपुर से नमस्कार कर रहे हैं, तो नमस्कार बहुत बहुत जीवन राम जी, आपको भी शुभकामनाएं बीएसटीसी के लिए आपको बहुत।
अगली जो हमारी कमेंट है रोहिताश कुमार जी की तरफ से कह रहे हैं, प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑफ इंग्लिश मीडियम बीएससी बीएड कॉलेज इन विच कॉलेज सेपरेट क्लास आर टेकन इंग्लिश मीडियम। ठीक है रोहिताश जी, आपकी कमेंट को हमने पढ़ लिया है, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपको वीडियो ज़रूर बनाकर भेजेंगे। पी आर जाखड़ साहब नाइस बता रहे हैं वीडियो को, तो पी आर जाखड़ साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हिमांशु गौतम जी कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर है कि 30 जुलाई को, अगर आप कह रहे हो 5 जुलाई को, थोड़ा स्पष्ट नहीं इनका, देखते हैं। पिंटू सोन जी कह रहे हैं कि सर रिजल्ट आ जाता तो बढ़िया रहता। बिल्कुल सर, इसको तो आना है ही, आप चिंता ज़्यादा ना करें। हिमांशु गौतम ने अपना पता दिया है कि गुड़ा कटला से हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी आपका। नरेश कुमार जी रिजल्ट कब आएगा? 5 जुलाई तक। कानाराम चौधरी जी, सर कानाराम जी पूछ रहे हैं, सर आप कहाँ से? तो कानाराम जी मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और ज़्यादा एड्रेस पूछना है तो बता दूं कि इसके पास खैरतल कस्बा है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और पिछले 13 वर्ष से राज्य सेवा में शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। और अब आप लोगों के गाइडेंस के लिए, आप लोगों के भविष्य के कुछ प्रश्नों को जवाब देने के लिए इस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया है, और यही मेरी इच्छा है कि मेरे बंधुओं को मुझसे कुछ जितना हो सके मैं देने का प्रयास करता हूँ। अगली कमेंट भरत चौधरी जी की तरफ से, सर बीएसटीसी का एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा? नहीं, बिल्कुल आएगा सर। कानाराम जी कह रहे हैं वेरी नाइस सर, बहुत बहुत धन्यवाद कानाराम जी आपको। विक्र राम जी भी कह रहे हैं कि सर बीएसटीसी का रिजल्ट कब आ सकता है? तो बिल्कुल अब तो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है विक्रम जी आपका। पवन है रामा कह रहे हैं कि बीए बीएड में 363 है, क्या बीएसटीसी करना चाहते हैं, क्या करें? भाई स्पष्ट है पवन जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, यदि आप कंपटीशन का सामना कर सकते हैं, आप में बेहतर इंटेलिजेंसी है, भविष्य में आगे निकलना चाहते हैं तो पीटीटी करें, क्योंकि पीटीटी से आपका भविष्य आगे निकलने के काफ़ी चांस हैं। क्योंकि बीएसटीसी केवल आपको कम कंपटीशन में जॉब की सिक्योरिटी देती है, और वो भी केवल तृतीय श्रेणी अध्यापक तक। लेकिन वर्तमान में नई शिक्षा नीति, जिस पर मैंने वीडियो भी डाली है देखना आप, उसमें क्लियर बताया है कि नई शिक्षा नीति में संशोधन के तहत जब लागू होगी तो यूपी गवर्नमेंट कर सकती, हो सकता है राजस्थान में भी ब्रिज कोर्स को लागू कर दें, सेवारत या सेवा पूर्व, और इसके लिए ब्रिज कोर्स ओपन यूनिवर्सिटी है वो करा सकती है, जिसके डिटेल से मैंने इस वीडियो में दिए, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट पर डिटेल से मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। अगली हमारी कमेंट है सत्येंद्र सेन जी की तरफ से, पूछ रहे हैं सर मैंने पीटीटी और बीएसटी दोनों एग्ज़ाम दिया, और मेरे पीटीटी 291 नंबर और काउंसलिंग पीटीटी की लास्ट 5 जुलाई और बीएसटीसी के रिजल्ट भी 5 जुलाई को आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, पीटीटी काउंसलिंग करूँ या रिजल्ट का वेट करूँ? सत्येंद्र जी पवन जी के ही प्रश्न में आपका प्रश्न है, और ये मैं आंसर दे चुका हूँ, तो आप भली भांति इसको समझ लें कि आपको पीटीटी करनी है या बीएसटीसी। त्रिलोक नायक जी ने बहुत कुछ लिख दिया है, काफ़ी प्रभावित हैं, तो त्रिलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जुड़े रहिए, आपकी प्रत्येक इच्छा उम्मीद को पूरी करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा जय हिंद सर जी, आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम, आपकी मेहनत व लगन से हमें बीएसटीसी के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिली, आपके प्रयास को मैं दिल से नमन करता हूँ, ये आपकी तारीफ नहीं बल्कि आपकी योग्यता का थोड़ा सा आकलन मात्र। तो बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक जी, आप जैसे शुभचिंतक है जिनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। राजू धारा जी कह रहे हैं सर रिजल्ट कब होगा? तो राजू जी रिजल्ट 5 जुलाई तक इंतज़ार करें। देव मीना जी धन्यवाद दे रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देव जी। विक्की जोशी जी कब आएगा? 5 जुलाई तक सर इंतज़ार करें। बी एल एस जी पूछ रहे हैं सर बी एस टी सी बी एड में क्या रहे हैं? सर इस पर हम वीडियो भी काफ़ी बना चुके हैं, और एक वीडियो आज ही डली है बी एड और बी एस टी सी पर शिक्षा नीति का प्रभाव, उसमें क्लियर हमने समझाया है। बाकी ऊपर साथियों के कमेंट में भी ये जवाब मैं दे चुका हूँ कि बी एस टी सी करें या बी एड, यदि वीडियो आपने पूरी देख रहे हैं तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक क्वेश्चन कमेंट और डाल दीजिए, मैं डिटेल में आपको फिर से बी एस टी सी और बी एड के सभी विकल्पों के बारे में वीडियो बनाऊंगा। साथियों आप सभी यदि देख रहे हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप बीएड और बीएसटीसी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, कि दोनों में क्या बेहतर है, कैसे करें, कैसे पढ़ें इसको, क्या आगे इसमें भविष्य, तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना एक बार, और यदि भूल गए हैं कमेंट करना तो साथियों पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, जिससे डिसलाइक करने वाले दो चार हैं वो अपने इस चैनल को छोड़कर भग जाएं। पी आर जाखड़ साहब नाइस बता रहे हैं, जाखड़ जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल
शैन जी पूछ रहे हैं ओबीसी से हूँ सर, एसटीसी में कितने नंबर चाहिए? ओबीसी में 420 प्लस हैं तो सर आप सिक्योर हैं, अन्यथा होना मुश्किल है। 420-30 प्लस होना बहुत ज़रूरी है। भैरव सिंह जी कह रहे हैं नाइस इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत धन्यवाद भैरव जी आपका। अंकिर कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कट ऑफ बताओ, तो बिल्कुल सर। जय शर्मा जी सर कॉलेज लिस्ट सेंड करना, तो बिल्कुल करेंगे सर टाइम मिलते ही। आपको साथियों थोड़ा सा बता दूं कि मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है गवर्नमेंट जॉब के बाद, मैं आपके कमेंट भी रिप्लाई करता हूं, वीडियो भी बनाता हूं, इन्फॉर्मेशन भी सटीक देने का प्रयास करता हूं। एक दो यदि कमेंट आपकी शामिल हो नहीं हो तो आप नाराज नहीं हो, मैं पढ़ता सभी की कमेंट कहूँ, याद रखता हूँ। आप एक बार फिर कमेंट कर दे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। फिर भी आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी छोटी सी जानकारी चाहिए आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियो बना करके आप सभी बंधुओं को जरूर जवाब दूंगा। विश्राम खरवाल जी कह रहे हैं नाइस वीडियो, थैंक यू सर जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद विश्राम जी आपको। भवानी सिंह जी बहुत अधिक स्नेह दिखा रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भवानी सिंह जी, आपको हमसे इतना अधिक स्नेह है। प्रहलाद गुजर जी थैंक्स सर जी, तो प्रहलाद जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह लाल जी ने धन्यवाद दिया है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन प्रजापत, रोशन राज परगी, इन्होंने लाइक किया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरन परिहार, डियर सर आई हैव गॉट 370 मार्क्स इन बीएसटीसी प्री एग्जाम एंड आई एम एससी कैंडिडेट, प्लीज़ टेल मी आई गेट कॉलेज। सिमरन जी आपको बता दें कि आप एससी से हैं, तो एससी की मान के चलिए 400 से कम मार्क्स पे होने वाला है नहीं, तो कम से कम 400 आपके ज़रूरी हैं। फिर भी बेस्ट ऑफ लक, आपकी साथ शुभकामनाएं हमारी कि आपका सिलेक्शन हो। त्रिलोक नायक जी कह रहे हैं कि सर नमस्कार सर जी, सर फिर बीएसटीसी की आवश्यकता क्या रह जाएगी? हमने एक वीडियो डाली थी कि भाई बीएड वालों को भी बीएसटीसी लेवल फर्स्ट में मौका दिया जा सकता है, तो इस संबंध में उन्होंने पूछा कि सर हाँ बिल्कुल सर, आपको बता दें त्रिलोक जी इस संबंध में पहले हो भी चुका, मैं आज की वीडियो में कह भी चुका हूँ, सरकार की नीतियाँ हैं बदलती रहती हैं। पहले भी 2008 तक फर्स्ट लेवल में बीएड वालों को वैलिड कर रखा था, 2008 में पहले बार बीएसटीसी के लिए अलग से सीटें निकाली गई, वरना इससे पहले बीएसटीसी की बीएड की तुलना में वैल्यू कम थी। अब नई शिक्षा नीति में भी सुनने में आ रहा है कि ऐसा प्रावधान होने वाला है, क्योंकि यूपी सरकार कर चुकी है ऐसा, तो नए संशोधन के साथ यदि राजस्थान में शिक्षा नीति लागू होती है तो यहाँ भी ब्रिज कोर्स को लागू किया जा सकता है, क्योंकि बीएड वालों की काफ़ी लंबे समय से यह मांग रही है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। पवन अशर्मा जी कह रहे हैं बीएड 363 क्या बीएसटीसी करना चाहते हैं? तो सर बीएसटीसी के बारे में बहुत कह चुका हूं मैं, यदि आपने वीडियो पूरी देखी है तो पवन जी समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, इस पर विस्तार से वीडियो बनाई जाएगी। साथियों आपके कमेंट के जवाब आधारित यह वीडियो अब काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं मानता हूं कि मेरे साथियों के काफ़ी प्रश्नों का जवाब भी मिल चुका है। फिर भी कोई प्रश्न रह गए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, यदि पसंद आई है तो लाइक के साथ कमेंट भी ज़रूर करिए, और चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं या विजिट कर चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमारी साथियों एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज की वीडियो में शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले।